लेटरिंग में चिकनाई आ रही है ना, उसी को आम बोलते हैं। आम वात, वात यानी हवा के साथ मिलकर के वो जो आम है आपके रक्त में मिक्स हो जाता है, रक्त में मिक्स हो करके फिर वो वहीं जम जाता है। जहाँ जहाँ जम जाएगा वो वहीं वहीं आपके दर्द जैसे आप होना शुरू। आज वीडियो लगातार देखते रहते हैं तो हमें कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वायु का दर्द, आम बात के दर्द पर कुछ वीडियो बनाओ या उसके बारे में कोई नुस्खा या दवा बताओ। तो आज मैं आम बात यानी गठिया वायवी इसको बोला जाता है, इसी के ऊपर आज मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। पर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। तो देखिए, आम बात या गठिया वाय कोई ऐसा खतरनाक रोग नहीं है जिसे ठीक न किया जाए। बस शर्त ये है कि आपको परहेजों पर रहना पड़ेगा, अपना खान पीन चेंज करना होगा और नियम व समय के साथ अपना जो खान पीन है वो खाना होगा और खाने को भी आपको चेंज करना होगा। तो वही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोग होता क्यों है और यदि आपको यह रोग हो गया है तो उससे छुटकारा किस प्रकार पा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हुए हम अपने सभी मित्रों से बोलना चाहते हैं कि दोस्तों, आप हमारी वीडियो तो देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए, यह हमारा पेट का ही रोग माना जाता है। पेट खराब होने की वजह से ये रोग होता है कि जो हमारी जो खाने का सिस्टम है, जो हमारी पाचन क्रिया है, वह सही से नहीं पचा पाती है, तब यह रोग उत्पन्न होता है। तो यह जो हमारी सात धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सात धातुएं होती हैं, उससे यदि ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी या फिर कच्ची बने, पूरी तरह से पकी हुई न बने, जो हम खाना खाते हैं उसमें से प्रॉपर तरीके से जो रस निकलना चाहिए वो तो बॉडी में जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से न पूरी बॉडी को मिल पाए, तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आम बात बोलते हैं, गठिया वायु बोलते हैं। जो पाचन क्रिया जो रस बनाती है पर वो प्रॉपर तरीके से न पक पाए, प्रॉपर तरीके से हमारी जो पाचन क्रिया उस रस को नहीं निकाल पाती, प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाती है, तो यह रस जो है कच्चा रह जाता है। अब रस कच्चा रह गया तो ये पूरी बॉडी में जाकर के जम जाएगा, इसी को आम बात यानी आम बोलते हैं। जैसे लेटरिंग करने जा रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लग रहा है और लेटरिंग में आप जोर लगा रहे हो, चिकनाई सी आ रही है, तो चिकनाई जो तो लेटरिंग में चिकनाई आ रही है ना, उसी को आम बोलते हैं। आम वात, वात यानी हवा के साथ मिल करके वो जो आम है आपके रक्त में मिक्स हो जाता है, रक्त में मिक्स हो करके फिर वो वहीं जम जाता है। जहाँ जहाँ जम जाएगा वो वहीं वहीं आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा, नस नस में, हड्डियों में वो जो है जमता जाता है और फिर आपके बॉडी में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो आम बात इस तरीके से होता है और ऐसे उत्पन्न होता है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये होता कैसे है, आम बात तो आप समझ गए कि क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन ये होता कैसे है और क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें। यह रोग होता क्यों है कि आजकल हमारे आसपास देखा होगा, हमारे घरों में एसी, कूलर, फ्रिज, बहुत सारी जो हमारे स्वास्थ्य की
जो लाभदायक चीज़ें हैं, फ्रिज हो गया, ठंडी चीज़ें, एसी हो गई उसकी ठंडी हवा, या कूलर लगा हुआ है तो उसकी भी ठंडी हवा आती है, फिर आमवाद इससे भी शुरू हो सकता है। और मैदे की ज़्यादा चीज़ें खाना, आइसक्रीम खाना, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, तो ये सारी चीज़ों से भी ये आमवाद हो सकता है। समय से न सोना, समय से न जगना, आजकल तो ज़्यादा बैठे बैठे का काम करना हो सकता है। ज़्यादातर ये आमवाद उत्पन्न होता है या तो वर्षा शुरू होती है, बरसात के दिनों में होता है, या फिर ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है उसमें शुरू होता है। अब आपने ये भी जान लिया कि ये रोग होता कैसे है, और आपने ये भी जान लिया कि ये रोग के लक्षण क्या हैं और कैसे उत्पन्न होता है, और हमें इससे बचने का क्या उपाय करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, वो जानकारी मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो आप ये जो मैं आपको उपाय बताऊँगा इससे आपको 100% आराम मिलेगा, और आप धीरे धीरे स्वयं खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, न किसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, बस एक तो आपको परहेज करने हैं और साथ में कुछ मैं आपको जो घरेलू नुस्खे हैं वो बताऊंगा। दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए आपको मात्र 4 चीज़ें मिक्स करनी है, और 4 चीज़ों को आप मिक्स करके कूट पीस के कपड़े में छान लें। सबसे पहले तो ला के आप बाज़ार से उसको साफ साफ धोएं, और धोने के बाद उसको सुखाएं। सुखाने के बाद आपको वह अपनी मिक्सी या खल्लड़ में जैसे भी आप पीस सकते हो, जो आपके पास सुविधा हो उस प्रकार आपको पीस लें। और हाँ, कपड़े में छानना है आपको। पहली चीज़ अजमोदा, आप लिख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अजमोदा, अश्वगंधा, चोपचीनी और पीपल, ये सभी समान मात्रा में आपको लेके आनी है, और अच्छी तरह धो करके मात्र 4 चीज़ें आप तीनों सभी को मिक्स करके पीस, तो तीनों चीज़ें भी साथ में 50-50 ग्राम पी लें, और इन सबको जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है उसी प्रकार आप छान पीस के बना लीजिए, और कांच के बर्तन या किसी चीनी मिट्टी के जार में आप रख लें, और 1 चम्मच दूध के साथ सुबह और 1 चम्मच दूध के साथ शाम, या तो बकरी का दूध होना चाहिए या गाय का दूध होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो है 15 ही दिन में अपने अंदर बहुत सारा बदलाव देखोगे, और जिनकी जो तीसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज में जो उंगलियां या फिर ये मुड़ने लगते हैं या इधर को टेढ़े हो जाएंगे या यूं हो जाएंगे, ऐसे कांटे ऐसे हो जाती है, तो तीसरी स्टेज होती है ये मुड़ने लगते हैं। पहली स्टेज में हल्का फुल्का दर्द, हवा के साथ दर्द ज़्यादा उठ जाता है। दूसरी स्टेज में अगर तुम बर्तन भी धो रहे हो या ठंडा थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ तो दर्द वापस आ जाता है, कि ऐसा दर्द कि चुभने से भी, जो हमारा पेट है ना, तौंद है, इसमें उंगली भी टच करोगे तो भी दर्द होगा, इतना तेज इसका जो दर्द होता है। और तीसरी स्टेज में तो इसकी जो हड्डियां हैं वो गलने लगती हैं और वो मुड़ जाती हैं, तीसरी स्टेज का ये कहानी है। वैसे तो 2 स्टेज ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, तीसरी स्टेज तो ज़्यादातर काफ़ी बुजुर्ग लोगों को, या वो समय से अपना इलाज नहीं कराते हैं। हाँ, तीसरी स्टेज में तो लगातार दवाई भी लेते रहोगे तो भी बहुत कम आराम आपको देखने को मिलेगा। हाँ, दूसरी स्टेज में ये है कि आपका इलाज चलता रहेगा, दवाइयाँ चलती रहती हैं तो आराम मिलता रहता है। पहली स्टेज में ये है कि आपने 1-2 पेन किलर ले ली तो 1-1 हफ्ते आपको आराम मिल गया, फिर दर्द कैसे भी पानी का या हवा का थोड़ा प्रकोप आपके साथ हुआ तो दोबारा से वापस आ गया। तो ये सारी स्टेजें आपके साथ, यदि तीसरी स्टेज का कोई भी बंदा है तो उसको ज़्यादातर उबली हुई सब्जियां और
दाल का पानी पीना चाहिए और बहुत कम जो वैसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपको पचाने में दिक्कत होती है। और हाँ, शाम का खाना आप सूखी रोटी खाएं और वो भी पतली सब्जी बना करके उसमें गला के खाएं, दाल का पानी हो उसमें गला के खाएं, सादा भोजन करें। और जो मैंने आपको नुस्खा बताया उसका प्रयोग करें। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे नुस्खे को प्रयोग कर रहे हैं, आपको कितना आराम मिला है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे कि और भी भाई बंधु उस नुस्खे का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आजकल के जीवन में टाइम किसी के पास भी नहीं है, न कहीं जाने का न कहीं आने का, सिर्फ घर पर ही रह के लोग बाग स्वयं अपने आप को ठीक कर लें, हमारी सबसे यही गुजारिश है। हाँ दोस्तों, यदि आपको आम बात है या गठिया वाय का रोग है तो हमेशा हल्का गर्म पानी से ही आप स्नान करें, हो सके तो धूप में बैठ के आप नहाएं, इससे भी आपका आम बात में काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हुए सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। इसी के साथ कल फिर किसी नई वीडियो के साथ या किसी नई औषधि के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, आप पर कृपा बनाए रखें।